मैंने आपको पीछे जो पढ़ाया था हर्षिकार की मात्रा, उसी का अभ्यास है यहाँ पे, उसी का अभ्यास यहाँ पे आपको क्वेश्चन सब बनाने हैं। चित्र पहचान कर उसके नाम लिखे, ये किस चीज़ का चित्र है, ये कौन सी चिड़िया है, आप लोगों को पता है ये कौन सी चिड़िया है, तो इस चिड़िया का यहाँ पे नेम लिखना है। ये क्या है, आपको तो पता है ये ग्लास से पानी पीते हैं, यहाँ पे ग्लास लिखना है। ये क्या है, मैं आपको पीछे पढ़ाई हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, तो ये आपको किताब है, यहाँ पे आपको लिखना है। ये क्या है, इस तरह से आपको बनाने हैं। कोष्ट में से सही सब छाट कर खाली स्थान भरो, रिम झिम डैश आई, तो गिलास तो रिम झिम नहीं, बारिश आई, तो आप बारिश डाल सकते हैं। किरण यह डैश मत किया, तो मालिश, तो मालिश तो क्या होता है, मालिश करना होता है, ये नहीं होगा, ये सही क्या हुआ, डलिया मत गिरा, तो डलिया मत गिरा। डाकिया टिकट लगा डैश लाया, डाकिया टिकट लगा डैश लाया। डलिया लिफाफा, तो टिकट को लगा है जब लिफाफा, तो इसको लगा लिफाफा। डाकिया टिकट लगा लिफाफा लाया, टिकट लगा लिफाफा आया। अब ई की मात्रा लाकर सही शब्द बनाना है, आपको ई की मात्रा लाकर सही शब्द बनाना है। तो है ल है, तो आपको हर्षिकार की मात्रा लगा के, ये हर्षिकार है, तो हर्षिकार की मात्रा लगा के आपको सही शब्द, तो है तो हर्षिकार, ये ल है तो ल बन गया। उसी तरह आपको स तकर्ता रास्ता है, जैसे सही मतलब लगाना है, तो ये कहाँ पर लगेगा, हर्षिकार यहाँ पे आएगा। इस तरह से आपको टोटल बनाने हैं। चित्र देखकर वाक्य पूरा करो, सविता यह, ये किस चीज़ का चित्र है आपको पता है ना, मैं यहाँ पर बताई हूँ ये किस चीज़ का चित्र है, ग्लास का, तो ये क्या चीज़ का चित्र है, यहाँ पे सविता यह, तो यह गिलास उठा कर ला। ओके, तो आपको चित्र पहचान कर इसमें फिल करने हैं। रवि डलिया उठा कर डैश चल, अब डलिया उठाए कहाँ जाना है, ये किसका चित्र है बताइए, ये चित्र किस चीज़ का है, ये चित्र का नेम इसमें आपको डाल देना है। सचिन यह डैश उठा कर ला, ये किस का चित्र है, बस आपको चित्र पहचान लेने हैं और उसका नेम यहाँ पे लिख देना है। ये ग्लास ग्लास लिख देंगे, इसका नेम लिख देंगे और इसका नेम लिख देंगे। इस तरह से आपको अभ्यास करने हैं, इसको पूरा बना लीजिएगा और रीड भी कर लीजिएगा।